Good evening friends, welcome to this third video of our discussion on Sabka Vikash Legacy Dispute Resolution Scheme 2019. This is Avinash Poddar, advocate. First video में हमने overview देखा, second video में जो important aspect था amount in arrears या कब वो quantified कहलाएगा या tax dues क्या है या tax relief क्या है वो समझने की कोशिश की. इस video में procedural aspect क्या है, जो नए रूल जो नोटिफाई हो गए हैं इस स्कीम के बाय वर्च्यू ऑफ 5/2019 नोटिफिकेशन नंबर है, सेंट्रल एक्साइज का नॉन टैरिफ नोटिफिकेशन है. उस नोटिफिकेशन में प्रोसीजर को लेट डाउन किया है, वो प्रोसीजर देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर. फ्रेंड्स, डायरेक्टली मैं रूल 3 पे जाऊंगा. रूल 3 बोलता है कि आपको सेक्शन 125 में जो डिक्लेरेशन करना है वो डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में करना है. ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं इस स्कीम के बेनिफिट्स में वीडियो 1 में कि पूरी स्कीम जो है वो ऑटोमेटेड रहने वाली है. आई होप कि जो ऑटोमेटेड स्कीम बोल रहे हैं फुल्ली वो काम करे और वो अच्छे से पोर्टल पे हम अपलोड कर पाए और उसमें कोई एरर्स या कोई ग्लिचेस ना हो. विद दिस होप, फॉर्म है SVLDRS यानी सबका विकास लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 1. तो आपको एक नंबर का फॉर्म जो है वो डिक्लेरेशन के लिए भरना है. डिक्लेरेशन आपको 31 दिसंबर 2019 से पहले या तब तक फाइल करना है. फ्रेंड्स, 4/2019 नोटिफिकेशन ने इस स्कीम को इफेक्टिव कर दिया है 1 सितंबर 2019, यानी इन ऑल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स तक आपको टाइम दिया गया है कि आप स्कीम में डिक्लेरेशन फाइल कर दें. यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है इसी सब रूल में, इसी रूल नंबर 3 के सब रूल 2 में, जो बोलता है कि आपको सेपरेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा हर केस के लिए. और केस टर्म को एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया है इन्होंने, बोला कोई शोकॉज नोटिस या एक से ज्यादा अपील या एक अपील. 30 जून 2019 को जो था वो एक केस है, अमाउंट इन एरियर्स इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट जो क्वांटिफाई हो गया 30 जून तक, या वॉलंटरी डिस्क्लोजर. ये सब इंडिविजुअल केसेस हैं. लेट्स से आपको 3 शोकॉज नोटिस आए हुए हैं अलग अलग पीरियड के, तो आपको 3 डिक्लेरेशन फाइल करने पड़ेंगे भले ही मुद्दा एक हो. एक ही इशू पे 3 डिफरेंट पीरियड्स के शोकॉज नोटिस हैं. इसी तरीके से अगर आपके 2 शोकॉज नोटिस हैं, एक अपील फाइल पेंडिंग पड़ी है, एक आपका ऑडिट चल रहा है जिसको क्वांटिफाई कर दिया गया है 30 जून से पहले, तो आपको 4 डिक्लेरेशन फाइल करने पड़ेंगे. मान लेते हैं कि आपने 3 बिजनेस दिखाए थे, एक बिजनेस को नहीं दिखाया था जो अब आपको लगता है कि दिखा देना चाहिए, तो आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर करेंगे, तो वो 3 के साथ ये 4th केस होगा जो आपको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा. मीनिंग देयर बाई, हर केस के लिए आपको सेपरेट डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, रूल नंबर 3 सब रूल 2 ऑफ दिस स्कीम. जैसे ही आप डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, एक ऑटोमेटिकली आपको ऑनलाइन ऑटो एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा जिसमें यूनिक रेफरेंस नंबर रहेगा, वो सिस्टम आपको जनरेट करके देगा. रूल नंबर 4, फ्रेंड्स, जब जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपको यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा. उसके बाद काम चालू होगा डेजिग्नेटेड कमिटी का. डेजिग्नेटेड कमिटी की फॉर्मेशन कैसे होगी वो रूल 5 में दिया गया, लेकिन मुझे रिलेवेंट नहीं लगता इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए. लेकिन मैं रूल 5 बता रहा हूँ कि आप अगर रूल डाउनलोड करें या इस नोटिफिकेशन 5/2019 को डाउनलोड करके आप उस रूल को पढ़ सकते हैं कि रूल 5 में डेजिग्नेटेड कमिटी क्या होगी, किस तरीके से फॉर्मेट होगी, और वो एक कमिश्नर में एक ही होगी. रूल नंबर 6 बोलता है कि डेजिग्नेटेड कमिटी अब आपकी डिक्लेरेशन को वेरीफाई करेगी और आपका एस्टिमेट इशू करेगी, जो सेक्शन 127 में मेंशन्ड है, स्टेटमेंट की बात जो कर रहे हैं. तो ये अपने समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिफिकेशन का मतलब क्या. तो ये बोलता है कि जो भी डिक्लेरेशन आप सेक्शन 125 में फाइल करोगे एक्सेप्ट वॉलंटरी डिस्क्लोजर, वो वेरीफाई किया जाएगा डेजिग्नेटेड कमिटी के द्वारा बेस्ड ऑन दी पार्टिकुलर्स जो आपने डिक्लेरेशन में पार्टिकुलर्स भरे हैं और जो डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनके साथ. लेकिन वॉलंटरी डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन दिया गया है, वो एक्सेप्शन क्या है वो हम बाद में समझते हैं. सब रूल 2 रूल 6 का बोलता है कि जो स्टेटमेंट सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 4 ऑफ 127 में थे वो डेजिग्नेटेड कमिटी इलेक्ट्रॉनिकली करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिक्लेरेशन अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 3, और वो आपको SVLDRS 3 में देगी जहां पे आपको आपकी अमाउंट पेबल को
बताया जाएगा। अब फ्रेंड सेक्शन 127 सब सेक्शन 1 में बोला है कि जहां पे कोई अमाउंट एस्टिमेट की गई है जो डिक्लेरेंट को पेमेंट करनी है और वो वही अमाउंट है जो डिक्लेरेशन में भी दी गई है तो वो अमाउंट, और सब सेक्शन 4 में बोला गया है कि जब डिक्लेरेंट को सुन के अगर कोई स्टेटमेंट इशू किया जाए तो वो 60 दिन में इशू करना है जो जो अमाउंट पेबल बताएगा। तो ये स्कीम में सब रूल 2 में सब सेक्शन 1 और 4 की जो बात कर रहा है वो ये है कि जहां पे भी आपकी अमाउंट इक्वल है तो डायरेक्टली आपको SV LDRS 3 फॉर्म दे दिया जाएगा 60 दिन के अंदर और फिर वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं दिया जाएगा जहां पे कोई आपका अमाउंट पेबल होता है और डेजिग्नेटेड कमिटी ने उसको निल डिफाइन किया है, प्लस जहां पे कोई भी अपील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, यानी कोई स्टेटमेंट आपको नहीं दिया जाएगा जहां पे आपका अमाउंट पेबल डेजिग्नेटेड कमिटी ने निल बताया है और कोई अपील आपकी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, यानी वो सेटल्ड फिगर्स हैं और अमाउंट भी पेबल निल है, वहां पे आपको स्टेटमेंट SV LDRS 3 नहीं दिया जाएगा। फर्दर बोला गया है कि जहां पे आपने जो अमाउंट डिक्लेयर किया उससे ज्यादा अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने या डेजिग्नेटेड कमिटी ने एस्टिमेट किया है तो वो आपको एक 30 दिन के अंदर, आपने डिक्लेरेशन दिया उसके 30 दिन के अंदर आपको SV LDRS 2 इशू करेगी और उसमें जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो बताएगी और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। अगर डिक्लेरेंट जो है वो चाहता है कि वो अग्रीमेंट इंडिकेट करे या डिसअग्रीमेंट इंडिकेट करे, जो एस्टिमेट दिया गया है उससे वो अग्री है या डिसअग्री, या फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट कहना चाहता है या फिर पर्सनल हियरिंग को वेव कराना चाहता है या एडजोनमेंट चाहता है, तो उसको SV LDRS 2A में बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड SV DLRS 2 इशू होगा जहां पे अमाउंट जो आपने डिक्लेयर किया और जो डिपार्टमेंट एस्टिमेट कर रहा है वो ज्यादा है, तो आपके अमाउंट कम है और उनके अमाउंट ज्यादा है, तो आपको ये 2 नंबर का इशू किया जाएगा। अब आपको बताना है कि आप अग्री कर रहे हो डिसअग्री कर रहे हो या आप रिटर्न सबमिशन करना चाहते हो या पर्सनल हियरिंग चाहते हो या एडजोनमेंट चाहते हो, वो आपको 2A में फाइल करना है। और अगर आप ये फाइल नहीं करते रीजनेबल टाइम या जो टाइम आपको दिया गया तब तक, 2A अगर आप फाइल नहीं करते तो जो डेजिग्नेटेड कमिटी है वो प्रोसीड करेगी फाइनल ऑर्डर के लिए जो उसके पास अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे। अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो आपको, लेट से आपने एडजोर्नमेंट का रिक्वेस्ट किया है तो आपको 2B में SV LDRS 2B में आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन केवल एक ही एडजोर्नमेंट इस स्कीम में आपको मिलेगा। और SV LDRS 3 जो आपको इशू होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर डेजिग्नेटेड कमिटी उसको चेंज कर सकती है अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक है जो अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है कि सामने से दिख के लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स है या और कोई मिस्टेक्स हैं, तो उसको सुओ मोटो वो चेंज कर सकती है। तो फ्रेंड ये था कि वो क्या वेरीफाई करके एस्टिमेट कैसे इशू करेगी। तो पहले हमने देखा कि एक्सेप्ट वॉलंटरी डिस्क्लोजर वो आपको वेरीफाई करेगी जो उसके पास रिकॉर्ड्स है जो आपने डिक्लेरेशन दिया, बस इतना तक जाएगी। फिर अगर आपके अमाउंट सेम है और उन्होंने भी सेम आइडेंटिफाई की है तो आपको डायरेक्टली वो SV LDRS 3 दे देगी। अगर ऐसा नहीं है तो आपको वो 2 नंबर का फॉर्म देगी। अगर आपको कोई एडजोर्नमेंट चाहिए या आप रिटर्न सबमिशन करना चाहते हैं या आप अपीयर होना चाहते हैं उनके सामने या आप अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट बताना चाहते हैं तो आपको 2A में रिप्लाई करना है। और फिर अगर वो एडजोर्नमेंट देता है तो 2B में आपको एडजोर्नमेंट देगा और अपॉर्चुनिटी देगा और फिर बाद में वो SV LDRS फॉर्म इशू करेगा। तो जो भी SV LDRS 3 में फॉर्म में फिगर होगी वो आपको 30 दिन के अंदर भरनी पड़ेगी। हर डिक्लेरेंट को इलेक्ट्रॉनिकली जो SV LDRS 3 में अमाउंट है वो 30 दिन के अंदर भरनी पड़ेगी। ये रूल नंबर 7 है। साथ में आपको जो आपकी अपील पेंडिंग थी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में
उस अपील के विड्रॉल को भी दिखाना पड़ेगा और उसको इलेक्ट्रॉनिकली डिक्लेरेंट को फर्निश करना पड़ेगा कि मैंने वो विड्रॉ कर लिया है। ये सब हो जाता है और अमाउंट की पेमेंट हो जाती है, SVL DRS 3 में जो अमाउंट है उसकी पेमेंट हो जाती है और डेजिग्नेटेड कमिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि वो अमाउंट पेमेंट हो गई है और विड्रॉल ऑफ अपील या रिट पिटिशन या कोई भी रेफरेंस जो रूल 8 में बात किया था वो आप प्रूफ जमा कर देते हो तो इलेक्ट्रॉनिकली SVL DRS 4 में आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा विद इन 30 days ऑफ द सेट पेमेंट एंड द सबमिशन ऑफ द प्रूफ विच एवर इज लेटर। अगर आप पेमेंट कर देते हैं लेकिन प्रूफ आप बाद में देते हैं तो जब आपका प्रूफ दिया जाएगा उससे 30 दिन, और अगर आप दोनों साथ में करते हैं तो जो भी डेट होगी 30 दिन के अंदर अंदर आपको SVL DRS 4 इशू कर दिया जाएगा। यहां एक चीज और लिखी गई है कि जहां पे SVL DRS फॉर्म 3 इशू नहीं किया गया है तो वहां पे सब रूल 6.2 के फॉर्मूले में जो हमने पहले देखा था उसके हिसाब से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर, डिक्लेरेशन फाइल करने के 30 दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सिचुएशन कौन सी थी जहां पे आपकी अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट दोनों सेम है, तो उस सिचुएशन में आपको SVL DRS नहीं दिया जाएगा और डायरेक्टली आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी SVL DRS 4 दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर था। इस प्रोसीजर को मैं वापस एक बार शॉर्ट में कवर करता हूं कि सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन SVL DRS 1 में फाइल करना है। अब जब वेरीफाई होगा वो, तो अगर आपकी और उनकी अमाउंट सेम है तो आपको वो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपको पेमेंट कर देना है। डिक्लेरेशन के बाद आपको पेमेंट करना है और SVL DRS 4 आपको इशू होगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। सेकेंडली, अगर आपने जो अमाउंट दिखाई उससे डिपार्टमेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है तो वो आपको 2 नंबर का फॉर्म इशू करेगा। फिर अगर आपको चाहते हैं कि आप प्रेजेंट हों या आपको एक्सप्लेनेशन दें या रिटर्न सबमिशन दें या आप उसे अग्री कर रहे हैं डिसअग्री कर रहे हैं, जो भी आपको बताना है वो आपको 2A के फॉर्म में बताना है। अगर आपने एडजोनमेंट मांगा तो 2B में वो आपको एडजोनमेंट देगा और फिर वो SVL DRS 3 फॉर्म के द्वारा आपको इशू करेगा कि आपको क्या पेमेंट करनी है, जो अमाउंट उसने एस्टिमेट की होगी, और वो आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। और जब आप वो पेमेंट का प्रूफ और आपकी जो भी अपील्स हैं उसको विड्रॉल का प्रूफ जमा कर देंगे तो SVL DRS 4 के अंदर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक बार अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसके आगे की सारी प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई हैं, फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स आपको नहीं लगेंगी। और सेक्शन 129 इस स्कीम का बोलता है कि एक बार डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको अगर 127 में मिल गया तो डिक्लेरेंट कोई भी फर्दर ड्यूटी, इंटरेस्ट या पेनल्टी उस मैटर से रिलेटेड और उस टाइम पीरियड के लिए लायबल नहीं होगा। क्लॉज बी बोलता है कि उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। क्लॉज सी बोलता है कि उसके खिलाफ कोई भी मैटर रीओपन नहीं होगा या कोई भी दूसरा एक्शन नहीं लिया जाएगा या प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल प्रोसीजर जो इस लॉ में लेट डाउन किया गया है। अब हम लास्ट अपना एक फोर्थ पार्ट और देखेंगे जहां पे एक इशू जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो हम टच करेंगे और मेरा व्यू मैं उसमें शेयर करूंगा। सो जस्ट वेट फॉर दैट फोर्थ पार्ट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।